US जाने वाला दिन in less than 24 hours. इतिका वैसे ही बहुत excited है. और I'm not sure मेरा सारा सामान आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने यहाँ से की है. क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं कौन सी शेप में होंगी मुझे पता नहीं. बच्चे के टॉयज, जो वो रेगुलर टॉयज से खेलता है वो, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स, बॉटल्स. अब जाने का टाइम हो चुका है दादू दादी का. इस बार हम बहुत अच्छे से मिल गए सबसे. चलो सब बाय बाय बोल दो अभी फिर. नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल. मेरा नाम है ऋतु. वेलकम बैक टू टाटा डे इन आवर लाइव्स. आज है US जाने वाला दिन इन लेस देन 24 आवर्स. इतिका वैसे ही बहुत एक्साइटेड है. और बस आज हम यहाँ से वहाँ जाने वाले हैं. जब आए थे तो पता नहीं था कि इतना टाइम कितनी जल्दी चला जाएगा, बट या वेरी एक्साइटेड टू गो बैक होम. वी हैड अ वंडरफुल टाइम हियर. बस अभी 24 घंटे से भी कम में, इनफैक्ट 12 घंटे में हमें घर से निकलना है, पैकिंग करनी है और भी बहुत कुछ करना है. हाउ एम आई ट्रैवलिंग विद माई स्मॉल बेबी अलोन. आज आप उसकी सारी प्रेप देखोगे. आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे. लेट्स रोल. ये हैं पापा जो इतिका को संभाल रहे हैं. पापा मजे आए थे आपको इतिका के साथ? बहुत मजे आए थे बेटा. वेरी गुड, नाइस एंड नाइस. और ये हैं मम्मी. क्या बना रहे हो सुबह सुबह? ये बच्चे जा रहे हैं आलू लेके जाएंगे. आलू आलू पूरी बना रहे हैं. आलू पूरी बना रहे हैं. तो आज मैंने सोचा कि सबके साथ बैठ के मैंने डाइनिंग के ऊपर ही छीले. ठीक है. और आज मैं जा रही हूँ US और चिंटू मेरा भाई जा रहा है जयपुर. तो पापा मम्मी बस यहाँ पे अकेले ही रहने वाले हैं. तो बस आज बाय बाय वाला दिन है. पैकिंग हमने शुरू नहीं की है ढंग से. तो पापा हो जाएगी पैकिंग? हो जाएगी बेटा. पापा कराएंगे पैकिंग मेरी थोड़ी थोड़ी, हम मिलके कर लेंगे. और अभी मैं कर रही हूँ अपनी अलमारी अनपैक. ये सारे कपड़े थे जो मैं धीरे धीरे करके बाहर निकाल रही हूँ. मैंने यहाँ पे भसड़ मचा रखी है थोड़ी. तो अनपैकिंग और पैकिंग में मुझे लगेंगे लगभग 2 घंटे. और आई एम नॉट श्योर मेरा सारा सामान आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने यहाँ से की है. ये पैकिंग एक तरफ और फ्लाइट की एक पैकिंग अलग मैं करने वाली हूँ, जिसमें एग्जैक्टली मुझे काफी सारी चीजें उसके लिए इतिका के लेके जानी है. क्योंकि इट्स 24 आवर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है. क्या क्या मैं लेके जाऊंगी वो आपको दिखाती हूँ, बट पहले आई थिंक नॉर्मल पैकिंग निपटाती हूँ. एंड दिस इज आफ्टर एन आवर. मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट डन है. इतिका की शुरू करनी है, बट भूख लग रही है तो पहले कुछ खाते हैं. बट ये हो गया. आई एम ग्रेटफुल देयर आर थिंग्स जो मुझे नहीं चाहिए वो मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे. बाकी अलमारी मेरी वाली तो खाली हो गई है. और लंच में हम लोग खा रहे हैं ये आलू पूड़ी और छाछ. और बना बनाए खाना मैं US में बहुत मिस करने वाली हूँ. वन ऑफ द लास्ट टाइम्स दिस ईयर मम्मी के हाथ का खाना. वी आर एंड वी आर बैक. इतिका सो के उठ गई है. आपकी मम्मी ने आपकी सारी पैकिंग डन कर दिया है. बैग नंबर 1, बैग नंबर 2 और ये मेरा बैग नंबर 3. ये एयरपोर्ट वाले बैग्स हैं जो मैं अपने साथ प्लेन में लेके जाने वाली हूँ. वो वाला बैग हम चेक इन करने वाले हैं. पापा हमें कितना टाइम लगा पैकिंग में? हाँ, पैकिंग में लगी गया 1.5 घंटा. ज्यादा पापा कब से लगे हुए हैं, मैं तो थक गई. अभी इतनी लंबी फ्लाइट भी लेनी है और बड़े मुश्किल से सामान आया. आपकी मम्मा ने काफी सामान ले लिया था आपके लिए, तो सामान पैक करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है. इतिका के लिए मैंने इन बैग्स में क्या रखा है फॉर द एयरपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ. सो इफ यू आर ट्रैवलिंग विद 6 month old baby तो बहुत डर लगता है. समझ नहीं आता कि कैसे जाएगी ये इतनी लंबी फ्लाइट. और मेरी पहली बार है कि हम साथ में जा रहे हैं, अकेले ट्रैवल कर रहे हैं. एंड इट्स 24 आवर्स लगभग डिस्टेंस फ्रॉम वन हाउस टू अनदर, मतलब पूरा टाइम लगा के. तो मैंने क्या क्या सामान पैक किया है मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट, पासपोर्ट अपना मत भूलना, वो इस बैग में है. फॉर्मूला आप वो लेके जा सकते हो. कुछ प्री मिक्स लिक्विड लेके चले जाना, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इसकी भी. वो बच्चे के टॉयज, जो वो रेगुलर टॉयज से खेलता है वो, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स, बॉटल्स, सैरलैक. अगर 6 months old बेबी है और आपने सॉलिड खिलाना शुरू किया तो आप कुछ ऐसा बना के लेके जा सकते हो. दिस इज़ अ वॉश क्लोथ, तो आईज नोज क्लीन करने के लिए वो. एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ, दिस इज एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ब्लैंकेट. मैं सैरलैक बनाऊंगी तो एक बोल और स्पून लेके जा सकते हो. बिब्स ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट. पैसिफायर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब टेक ऑफ और लैंडिंग में अगर आपको एयर प्रेशर मेंटेन करना है तो ये लेके जा सकते हो. वाइप्स, वॉश क्लोथ्स, डाइपर्स एंड ऑफकोर्स मेरे एसेंशियल्स. तो ये सारा सामान मैं इतिका का पैक करा है मैंने ये 2 बैग में. मेरा सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप है, मेरा कुछ सामान नहीं है. मोस्टली सामान इतिका का है. बस अभी फिर से वापस पैक करती हूँ. अभी इतिका के दादू दादी भी आने वाले हैं. बट हाँ, मैं एक्साइटेड भी हूँ बट मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है. मतलब पहली बार जा रहे हैं हम साथ में और बहुत लंबी फ्लाइट है, तो मैं हर एक चीज़ ना बार बार सोच रही हूँ कि कुछ मैंने मिस तो नहीं किया. तो ये सब ऑफकोर्स सामान मैं दोबारा से पैक करती हूँ. और अभी चल रहा है फोटोशूट. ये मिष्टी, ये इतिका, दोनों बहनों ने सेम ड्रेस पहना है. और अब हम थोड़ा बहुत फोटोज क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे.
ऐसे कर लो दोनों बहने, लव कर लो। हाय इतिका, देखो इतिका। एक दादू और नानू दोनों साथ में। मिस्टर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो आप। बैठ गई, लो जल्दी। वाओ, लो मिस्टू नीचे आ जाओ। नीचे खींच देना मिस्टू, नीचे 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 नीचे। इतनी का फोटो खिंचा रही है अपनी, आप ऊपर ही खिंचा रहे हो। एक एक बार ओनली वन। खींच दी बुआ ने, आ जाओ नीचे, आ जाओ आ जाओ। पापा के साथ में स्टैंड अप कर लो, जल्दी जल्दी आओ। हाँ आओ तो जाए। बाय बाय इतिका, मामू को बाय बाय बोल रही है। मिस्टी मजे आया आपको? अब हम नेक्स्ट ईयर मिलेंगे ना मिस्टू। बाय बाय। इतिका कैसे करती है? एंड वी आर डन विद आवर फोटो शूट। और हम लोग इसीलिए फोटो खींचते हैं क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं कौन सी शेप में होंगी मुझे पता नहीं, बच्चे जरूर बड़े हो जाएंगे। और अभी हम खा रहे हैं, चिंटू दिखाई जरा, मैंगोस, यम्मी यम। ठीक है, अभी बाय द वे पैकिंग बाकी, पापा लगे हुए मेरे, पापा ही हमेशा पैक करते हैं। अभी पापा यहाँ पैकिंग शुरू कर रहे हैं इतिका वाली, मैंने अपनी थोड़ी बहुत कर ली है। हमारी मिस्टू जा रही है, बाय। ऐसे बाय कर रहे हो, अगली बार मिलोगे? बाय एवरीबॉडी, बाय। अकेले जाओ, अकेले जाओ, बाय। बुआ चले जाए पूरा आपके साथ, चल रहा है, ले चल रहे, सब चल रहे, सब चल रहे। बाय चिंटू, क्लिप देखी कितने लगाई, देखो सर पे देखो लड़की के हमारे। मिस्टू पूरा बाजार बना रखा है। बाय मिस्टू की मम्मी, सी यू सून। चलो चलो चलो, बाय 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 बाय। हम रास्ते के लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेके जा रहे हैं, घर से माल लाए। मिस्टू आप शेयर करोगे बुआ के साथ? नहीं करेगा ये। क्या कर रहे हो? मेरा टीजर खा रहे हैं सब। उस दिन आइसक्रीम की तरह ना, किस दिन? हाँ हाँ, वो लड्डू हो गए, लड्डू लड्डू बनने, लड्डू। बाय बाय, सबको बाय बाय बोल दो। बाय बाय, बाय बाय, सी यू सून, सी यू सून। चाची जल्दी जल्दी शादी करो, तभी आएंगे हम, तभी आओगे। काजी आ गई, गेम खत्म बेटू, गेम खत्म, उसको देखिए पर्दे में अटकी रहेगी। अब जाने का टाइम हो चुका है दादू दादी का, इस बार हम बहुत अच्छे से मिले सबसे। चलो सब बाय बाय बोल दो अभी, फिर अब हम जल्दी शैंक की चाचू की शादी में मिलेंगे। बाय एवरीबॉडी। इतिका का जाने का मन नहीं है लेकिन जाएगी। इतिका पापा वेट कर रहे हैं, चलो बाय बाय। एंड दिस इज अराउंड 8:37 PM और अब जाने का टाइम आ चुका है, बैग्स सारे पैक कर दिए हैं। टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं आराम से यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँ बस कैब बुक करने वाले आधे घंटे में। बड़े मजे आए, बहुत अच्छा टाइम था। मैं हमेशा अपना ये टाइम चेरिश करती हूँ, यहाँ पे जिन लोगों से मैं मिलती हूँ, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उनके साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया, इतनी सारी मेमोरीज बनाई, तो वो काफी अच्छा था। आई एम लिटिल इमोशनल इनसाइड बिकॉज यहाँ से जाना पड़ रहा है, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम गोइंग टू प्रशांत एंड देयर इज दिस न्यू थिंग दैट इज वेटिंग। उधर लाइफ में बहुत कुछ नया है जो आप ऑफकोर्स आने वाले व्लॉग में देखोगे। और पापा मम्मी भी है जो बाय बाय बोलने वाले हैं। सी यू सून, सी यू सून बेटा। और इतिका नानी को मिस करोगे? और पापा वीडियो कॉल पे तो हम बात करते ही रहेंगे, है ना? बट हाँ, अभी हम लोग कैब बुक कर रहे हैं
और अच्छे से चली जाऊंगी पापा, मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, अच्छी तरह से चले है। मैंने बेड तो ले लिया है कि मैं इतिका के साथ अकेले जाऊंगी। 24 घंटे आगे वाले जो है ऑफकोर्स मैं व्लॉग करूंगी, ठीक है, जरूर देखना। हाउ डिड आई ट्रैवल विद माय स्मॉल बेबी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क, वो आगे वाला व्लॉग होगा। आई एम होपफुल ये वाला व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखा तो मुझे जरूर बताना, अच्छा लगा तो भी कॉमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस, प्लीज टेक केयर, बाय।